तो लेट्स स्टार्ट इट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास स्टार्ट हुई है भाई, वो हम स्टार्ट कहां से करेंगे जल्दी बताओ। हम स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वहां से करेंगे, ठीक है। खैर लेट्स स्टार्ट इट, आइए। सो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों होमवर्क डिस्कशन से। और ये कौन सा होमवर्क है? रिडक्शन का होमवर्क है, थ्योरी कॉपी का, थ्योरी कॉपी का होमवर्क है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर वन, आपको याद है हर क्वेश्चन में चार चार पार्ट थे, चार चार पार्ट। आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। एलएएच ज्यादा रिएक्टिव होता है, एसवीएच कम रिएक्टिव होता है, एलएएच सेलेक्टिव नहीं होता, कीमियो सेलेक्टिव नहीं होता, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज हम करने वाले भी हैं। पहला क्वेश्चन था आरसीओसीएल। तो मेरे भाई चार एरो हैं और ये चारों एरो आपके पास, आपको पता है क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं, एलएएच, एसबीएच, डाइवल एच। मेरे भाई बहुत कैजुअल एटीट्यूड रखा जाता है, सॉरी उसका जो जल है या सॉल्वेंट है वो कई बार नहीं दिखाया जाता, बट दिखाना चाहिए। बट थोड़ा सा ऐसा थोड़ा आप इस तरीके की चीजों को भी सीखें। मेरे भाई एलएएच की हमने एक मैकेनिज्म की थी, यहां एलजी लगाकर, यहां एलजी लगाकर मैकेनिज्म की थी। तो आंसर है आर सी एच टू एच, प्राइमरी एल्कोहल। एसबीएच करेंगे आर सी एच टू एच। डाइवल एच सिंगल स्टेप, बहुत इंटरेस्टिंग था ये, क्या तुम्हें याद है? एल्डिहाइड एंड बी टू एस सिक्स, क्या तुम्हें याद है? ये एक लौता एसिड डेरिवेटिव था जिसे बी टू एस सिक्स छोड़ देता था, था तुम्हें नहीं निपटाएंगे, तुम्हें रिड्यूस नहीं करेंगे। इसका रीजन मैंने दिया था बोथ वर इलेक्ट्रोफिलिक, अगर आपको याद हो तो इसका रीजन मैंने दिया था बोथ वर इलेक्ट्रोफिलिक। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर टू, आर सी ओ ओ आर डैश। नाउ मैं रीजेंट नहीं लिखूंगा, रीजेंट सही वही है, आंसर है आर सी एच टू ओ एच प्लस आर डैश ओ एच। मेरे भाई इस बार नो रिएक्शन सेकंड में आएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो एसबीएच वो था जो माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट था, वो एकलौता केवल आरसीओसीएल को ही एसिड डेरिवेटिव में रिड्यूस करता था, ईस्टर से रिड्यूस नहीं होते थे। डाइवल एच की तो कहानी पता है तुम्हें, एल्डिहाइड ये वाला कार्बन रिड्यूस होगा एल्डिहाइड में, ये लात खा के अल्कोहल ही देगा, ये लात खा के अल्कोहल ही देगा। और मेरे भाई इसकी टेंशन मत लेना, बी टू एस सिक्स एल्कोहल का मिक्सचर देगा। आप देखिए सबके बारे में कुछ यूनिक बात है, B2S6 इससे रिएक्शन नहीं करता था, इट वाज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये भी था कि B2S6 की केवल स्टार्टिंग मोड ऑफ रिएक्शन अलग था, वंस रिएक्शन स्टार्ट्स तो फिर वो LAH और SBH जैसा आंसर देता था। मेरे भाई मूविंग अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज एसिड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन थर्ड। एंड फॉर एसिड सेम आंसर आने वाला है, सेम सेट ऑफ आंसर आने वाला है जो यहां पर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम कर दूं क्या मैं? डैश डैश करने से खतरा है, आर डैश ओएच नहीं होगा, इसलिए नो रिएक्शन आर सी एच ओ एंड आर सी एच टू एच, आप सारे लोग देख सकते हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट फोर्थ, फोर्थ फिर से एसिड डेरिवेटिव आ गया, ओ सी ओ आर डैश। मजेदार बात सुनना सारे लोग, सारे लोग मजेदार बात सुनना, सुन रहे हैं आप? एलएएच दोनों कार्बोनाइल को रिड्यूस करता है, इसे भी रिड्यूस करता है, इसे भी रिड्यूस करता है। तो एक एल्कोहल आएगा आर सी एच टू ओ एच इधर वाला, और इधर वाला आएगा आपका आर डैश सी एच टू ओ एच। ये देखना दोनों रिड्यूस्ड एल्कोहल है, ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा। आपको अगर याद हो ग्रिगनार्ड भी रिडक्शन करता है, लेकिन ग्रिगनार्ड जब इस पर रिडक्शन करता था तो एक ही पोर्शन का रिडक्शन करता था, एक पोर्शन निकल जाता था, और वो निकला हुआ पोर्शन इतना कम रिएक्टिव था ग्रिगनार्ड के लिए कि ग्रिगनार्ड उससे रिएक्शन नहीं करता था। क्योंकि एलएएच में यहां एडिशन होगा, इसे लात पड़ेगी, निकलने के बाद भी ये रिएक्टिव होगा और एलएएच उसे रिड्यूस कर देगा। एसबीएच की कहानी तो पता ही है दोस्त, नो रिएक्शन, सही बात है। ये वन स्टेप के लिए जाना जाता है तो एल्डिहाइड बनाएगा, और लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो लास्ट वाला फिर से बनाएगा एल्कोहल आर सी एच टू एच
आर डैश सी एच टू एच। मेरे भाई ये देखा गया है कि जो सॉल्ट निकलता है वो डाइवल एस से बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो यहां पर लात खाया हुआ पार्ट दिखाया जा सकता है इस तरीके से। ये है आपका चार रिएक्शन, सब में चार चार पार्ट है मेरे भाई। आई होप आप एक एक पार्ट को समझ रहे हैं। अगला एल्डिहाइड है, पांचवा है आर सी एच ओ। देख रहे हैं आप सारे लोग, आर सी एच ओ में सबका आंसर सेम है। ये पहली ऐसी चीज है मेरे ख्याल से जिसमें सारे रिएक्शन करेंगे, सारे के सारे वन स्टेप, वो भी करेगा तो एल्डिहाइड से अल्कोहल बना देगा डाइवल एच। सिक्स की बात करते हैं, सिक्स की बात है कीटोन, सारे करेंगे, सारे सारे करेंगे और अल्कोहल कितने डिग्री का होगा, टू डिग्री का डैश 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 डैश। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, ओहो सेवेंथ, सेवेंथ क्या आप देख पा रहे हैं, सेवेंथ में एक ऐसा वेज पर मिथाइल लगा है। अगर आपके पास दिमाग है, आप सबके पास दिमाग, तो आप समझेंगे यहां दो आंसर आने वाले, यहां दो आंसर आने वाले, क्योंकि देखो इसका रिएक्शन ये प्लेनर, इस पे एच टॉप बॉटम दोनों से जा सकता है, तो एक आंसर तो ये आएगा दोस्त, मानो या ना मानो, ये वाला फिक्स है, ये वाला क्या हो जाएगा, दो आंसर आएंगे। ये है ज्योमेटिकल आइसोमर जिसे आप बोल सकते हैं डैश ट्यूमर्स, ज्योमेटिकल आइसोमर्स जिसे आप बोल सकते हैं डैश ट्यूमर्स। सातवां आंसर ये है, एट्थ सब में आंसर सेम है। एट्थ, एट्थ की अगर मैं बात करता हूं, एट्थ में रेसमिक मिक्सचर आएगा, वो भी हर केस में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, हर केस में आएगा। और वो क्या है बताइए, एक बार वेज में OH, एक बार डैश में OH, रेसमिक मिक्सचर एंड आंसर सेम आंसर इन एवरी केस। नाइन्थ बिल्कुल सेम है, नाइन्थ आप बिल्कुल देख सकते हैं, इस बार दो ऑप्टिकल आइसोमर्स या ज्योमेटिकल आइसोमर्स आप जो बोलना चाहें वो आ जाएंगे। क्वेश्चन वॉज लाइक दिस, देख लो सारे, देख लो चार पार्ट, ठीक है, और बताइए यहां टॉप बॉटम ही होगा, तो आंसर होगा एक कि OH अप है, और एक आंसर क्या होगा सारे बताओ कि एक डैश है। मेरे भाई ये सब में आएंगे तीनों में, अप टू नाइन्थ, लुक एट केयरफुली, अप टू नाइन्थ क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लें। देख लीजिए इसे, देख लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं इसे हटाऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म्स भी अभी मैं लिखूंगा यहां पर। आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोडेड हैं, तो एक बार आप ऐसा करिएगा कि उन क्वेश्चंस को एक नजर देख लीजिएगा, फिर हम उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट वॉज पार्ट फोर, आई मीन इसका सबसे लास्ट में है। मैं वो क्वेश्चन यहां पर हल्का सा मेंशन कर दूंगा, तो आप यहां से भी लिख सकते हैं। आफ्टर नाइन्थ, ये हटा दे, ये हटा दिया जाए, बोलो जल्दी बोलो, ये हटा दिया जाए, ओके इसे हटा देते हैं। ये नौ क्वेश्चंस हैं होमवर्क डिस्कशन जो थ्योरी कॉपी में आपको दिया हुआ था, ये हटा दो। चलिए टेंथ क्वेश्चन से आगे चलते हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं, देखिएगा। टेंथ क्वेश्चन में मैंने आपको दिया था एमाइड आर सीओ एन एच टू, ठीक है, तो सारे लोग देखिएगा क्वेश्चन, टेंथ में है आर सीओ एन एच टू, ठीक है, एंड इस पे अटैक क्या क्या कराना था आपको, मैंने यहां तीन चीजें डाल दी थी एलएच, क्योंकि
आपका SBH जो था उसका तो नो रिएक्शन है, ये क्या है SBH, और ये मैंने क्या कर दिया था B2S6, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको पता है नो रिएक्शन। SBH इकलौता एसिड डेरिवेटिव एसिड हैलाइड से रिएक्शन करता था। तो सारे क्वेश्चन को एक नजर ध्यान से देखें, मैं वापस लिख देता हूं, चलो यार RCO ये सेकेंडरी एमाइड था, ये सेकेंडरी एमाइड था, और यहां मैंने केवल LAH दिया था, फिर LAH। सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से तभी आएगा मजा। फिर मैंने आपको टर्सरी एमाइड दिया था NR-2 LAH, वो LAH और वाटर है याद रखना। सारे लोग देखिएगा 13th क्वेश्चन में मैंने आपको RCH2N3 दिया था, RCH2N3 दिया था। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन जो था वो देखें RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और इस पे क्या था मेरे भाई LAH और SBH। सारे लोग देखिएगा 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है RCN, ये LAH, ठीक है, SBH में इसलिए नहीं ले रहा हूं, नोई रिएक्शन होगा इसलिए नहीं ले रहे। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 16th, RCH2NO2। तो पहले आप सारे लोग एक बात ध्यान से सुन लो, सारे के सारे, पहले मैं LAH की सारी रिएक्शन बताता हूं। LAH की, LAH प्राइमरी एमाइड एसिड एमाइड से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब मैं जो शब्द बोल रहा हूं सबको ध्यान से सुनना, रिडक्शन ऑफ एमाइड बाय LAH टेक्स प्लेस इनटू एमीन्स, एमीन मिलता है मेरे भाई, प्राइमरी एसिड एमाइड से प्राइमरी एमीन मिलता है RCH2NH2, सेकेंडरी से सेकेंडरी एमीन मिलता है, सारे लोग देखना, टर्सरी से टर्सरी एमीन मिलता है, सारे देखते रहना। और मजेदार बात है एजाइड इमाइन साइनाइड, नाम बोल रहा हूं उनके, एजाइड एंथ्रीज एजाइड, एजाइड इमाइन साइनाइड नाइट्रो, आपको जानकर अच्छा लगेगा LAH एमीन ही देता है CH2N एमीन, इमाइन इसका आंसर एमीन, साइनाइड इसका आंसर एमीन, नाइट्रो इसका आंसर एमीन। सारे लोग देखिए LAH जहां सेकेंडरी एसिड एमाइड है वहीं सेकेंडरी अमीन दिया है, जहां टर्सरी एसिड एमाइड है वहां टर्सरी अमीन, बाकी हर जगह प्राइमरी अमीन है, हर जगह प्राइमरी अमीन है। मैं आपको कुछ मैकेनिज्म जरूर बताऊंगा, जैसे ये तो बहुत हलवा मैकेनिज्म है, यू ऑल नो, जैसे CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड को एल्कोहल बनाते थे, तो N को N की जगह अगर आप O ले लें तो बताइए आपको मिल जाएगा RCH2H, भाई ये बॉन्ड ऐसे घूमी, यहां क्या आ जाएगा H, LAH क्या दे देगा H, और यहां सॉल्वेंट H दे देगा, तो आंसर है मेरे भाई ये और ये। इसमें एक जैसे CH2N3 की मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है मेरे भाई, समझदार के लिए क्या काफी इशारा, क्या आपको पता है N3 जो होता है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं एजाइड है ये, एजाइड। अब बताओ N2 अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो क्या N-N2 को लात मार के निकालेगा या नहीं, अगर N-N2 को लात मारकर निकालने के फिराक में है तो बताओ इसके निकलने के बाद यहां एक प्लस आने लगेगा, प्लस और माइनस न्यूट्रल होने लगेगा, बस इसी मौके का फायदा उठाएगा कौन LAH, और उस न्यूट्रल होते हुए नाइट्रोजन पर ये H- सप्लाई कर देगा, और अगर ये H- सप्लाई करेगा तो सच बताओ ये बनेगा या नहीं, सारे बोलो ये बनेगा या नहीं, N जो कि न्यूट्रल हो रहा था उस पे H- आया, ये बन गया, और अब कौन सॉल्वेंट इसे H दे देगा, मेरे भाई सॉल्वेंट जल ले लो, उसने इसे H दे दिया, एंड वी जस्ट गेट इट एमीन, प्राइमरी एमीन एज ए आंसर, प्राइमरी एमीन एज ए आंसर। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अब जहां जहां B2S6 है आपको याद होना चाहिए बस
इनिशिएशन अलग होगा, आंसर सेम आएगा, मैंने बोला था इनिशिएशन होगा, आंसर सेम आएगा, मैंने बोला था RCH2NH2। तो इट्स क्वाइट इजी एंड बहुत आसानी से कर सकते हैं। 10th, 11th, 13th इनकी मैकेनिक मैं आपको जरूर बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अभी बताऊंगा मैकेनिक, ठीक है। तो ये दीज क्वेश्चन आर अप टू 16th, याद रखेंगे एमाइड के क्वेश्चन में गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें ये दिमाग में रहता नहीं है, उन्हें दिमाग में रहता है अल्कोहल बनाता है अल्कोहल, इससे पहले अल्कोहल बन रहे थे, इन कंपाउंड को छोड़ दो, बाकी एसिड पर अल्कोहल, ईस्टर पे अल्कोहल, एनहाइड्राइड पे अल्कोहल, एसिड हैलाइड पे अल्कोहल, एल्डिहाइड पे अल्कोहल, कीटोन पे अल्कोहल, अल्कोहल। तो तुम्हारा दिमाग अल्कोहल को लेकर वैसे भी सेंसिटिव होता है, और यहां भी अल्कोहल बनाने लगता है, यह एमीन वाला जोन है, एमीन बन रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने वैसे भी दिखाया था कि अल्कोहल और एमीन जो है वो रिएक्शन नहीं कर सकते, याद है आपको। चलिए तो मूविंग अहेड विद 16 हो गया था। 17th क्वेश्चन सारे लोग देखें, 17th क्वेश्चन, 17th वॉज लाइक दिस, सारे लोग देखिए, LAH वॉटर आप लिखे हैं तो अच्छी बात है, ओके सो बहुत आसान है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने दिए थे फिर आपको, LAH एंड जल। 19th क्वेश्चन जो था वो था तो यही मेरे भाई, उसमें पहले हमने डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और बाद में हमने क्या डाल दिया, जल है कि मानता नहीं, जल डाल दिया, सॉरी LAH था उसके बाद जल था, LAH एंड उसके बाद जल, तो इसके लिए थोड़ा स्पेस रख लेते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन 20th, ओके 20th थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 20th ये लैक्टोन, ये लैक्टोन LAH एंड वाटर, ऑब्वियसली 1 and 2 के साथ। मेरे भाई थोड़ा सा समझना जरा, बहुत आसान हो जाएगा ये भी, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं आपके साथ में, इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पता ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ऐसा क्यों पता होना चाहिए आपको, पता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है मेरे भाई, SN2 होगा, SN2, और सच बताओ किसने किया SN2, एच एल्यूमिनियम एच बॉन्ड में, जिसे हम हाइड्राइड H- बोलते हैं, क्या मिलेगा, सच बताओ क्या मिलेगा, O-, इधर तो H आ गया O-, और साथ में कौन होगा Li+AlX3, आपको पता है जल है कि मानता नहीं, जल जो है प्रोटॉन सप्लाई, आई मीन ये प्रोटॉन छीन लेगा उससे, आपकी फेवरेट चीज आपको मिली, आपकी फेवरेट चीज आपको मिली मेरे भाई, SN2 है, SN2 कहां से होता है, लेस क्राउडेड साइड से, समझदार के लिए क्या काफी इशारा, तो क्या यहां टर्शरी ब्यूटेनॉल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, टर्शरी ब्यूटेनॉल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, देख लो सिमिलियरली 19th में बस इतनी बुद्धि लगानी थी, मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन, तो इतनी बुद्धि तो आप लगा सकते हो मेरे भाई, झूठ मत बोलना, बताओ AlCl3 क्या होता है, AlCl3 आपको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में लिखा गया, जिसमें एल्यूमिनियम के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है इसे, तो मेरे भाई इसके पास जब आएगा AlCl3 तो बताओ इलेक्ट्रॉन मांगेगा या नहीं, और इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ऑक्सीजन देगा या नहीं, और ऑक्सीजन देगा तो ये बनेगा या नहीं, अब सोचिए इसके आगे का, इसके आगे का सोचो दोस्तों, इसके आगे का सोचो मेरे भाई, अब आएगा LAH, ये NCC हो गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, और NCC यहां से खुलता था जहां केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स हो, जहां केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स हो मेरे भाई, जब ये खुलेगा तो खुलने के बाद आपको ये मिलेगा OAlCl3-, और सॉल्वेंट वाटर इसे सब्स्टिट्यूट कर देगा H से, मिल गया है, कोई मिल गया है, ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल। 20th क्वेश्चन इज वेरी इजी, 20th क्वेश्चन को आप सारे लोग देखें, ईस्टर पर आप LAH पहले कर चुके हैं, आप चाहें तो मैकेनिज्म कर सकते हैं, बॉन्ड ऐसे घूमेगी, यहां H आएगा, इसे लात पड़ जाएगी, ये खुल गया, ये एल्डिहाइड हो गया, LAH वापस उस एल्डिहाइड को क्या कर देगा,
अल्कोहल बना देगा। तो समझदार लोग देख सकते हैं ये आंसर है, टर्मिनल पर अल्कोहल। वैसे ईस्टर का हमने आज ही किया है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। मैं इन क्वेश्चंस को हटाता हूं, आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूं, उन क्वेश्चंस को आप करिएगा जो इन्हीं टॉपिक्स पर हैं, एलएएच एसडीएच इन सब पर हैं। ये मैं हटा रहा हूं, देख ले सारे हटा दे भाई। ठीक है, ट्वेंटी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 21 से हम आगे चलेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने एक बात बोली थी कीमियो सेलेक्टिविटी वाली, याद है आप, कीमियो सेलेक्टिविटी वाली, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लुक एट 21 आपसे पूछा गया मोस्ट appropriate reason। अब ध्यान से सुनना, जेई ने रिडक्शन पर बहुत क्वेश्चंस पूछे हुए और लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन जब लिखा जाता है तो यह कॉमन सेंस है कि यह क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन, तो मेरे भाई अगर ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन महाहलवा होता है। लाइक मैं आपको सेगमेंट दे देता हूं, लाइक वी हैव डबल बॉन्ड ओ अलोंग विद द ईस्टर, ठीक है, या आप कोई और ग्रुप लगा लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, एनओ टू, ठीक है। तो ये चीज है और मुझे इससे ये बनाना है OH एंड NO2। क्या आप देख रहे हैं, दो ग्रुप में एक रिड्यूस करना है, नाउ हियर वी हैव ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज LiLH4, सेकेंड वन इज NaBH4, क्लियर, एंड सी, थर्ड इज CH3MgBr। भी तीनों रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़े हैं, एंड फोर्थ जो है वो हम ले ले ऑल ऑफ दीज। तो मेरे भाई आई थिंक ग्रिगनार्ड इज नॉट द राइट चॉइस, क्योंकि ग्रिगनार्ड से 3 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, क्योंकि ये CH3 भी जुड़ता है। ओके, ये सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, ये रिड्यूस करेगा तो दोनों को निपटा देगा। सो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज NaBH4, कर लेंगे आप, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज NaBH4। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जेई ने पूछे हुए हैं, तो मैं और क्वेश्चंस देता हूं आपको, लाइक फिर से मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है। मैं क्वेश्चंस दे देता हूं आपको, दिस इज लाइक ये है आपका ईस्टर और ये है आपका एसिड, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। चलिए, और मैं आपसे क्या चाहता हूं उस पर बात करते हैं। मेरे भाई कुछ शरारत की जा सकती है यहां पर, लाइक मैंने क्या किया, मैंने ईस्टर यहां रख दिया और इसे अल्कोहल बना दिया, पलट दिया है मैंने, तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। एंड ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, ए ऑप्शन तैयार है, आप ध्यान से देखें, ए ऑप्शन इज अगेन LiLH4, बी ऑप्शन है NaBH4, ठीक है, सी ऑप्शन इज B2S6, क्लियर, एंड डी ऑप्शन इज डाइबर। आप बहुत आराम से देख सकते हैं दोस्तों, बहुत आराम से, और आपको क्लियर कट इसका आंसर भी दिख रहा होगा। ये तो हट गया, ये कीमियो सेलेक्टिव नहीं होता, इसे तो हटना ही होगा क्योंकि ये दोनों से रिएक्शन नहीं करता। डाइबर एच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक स्टेप ही रिडक्शन करता है, तो डाइबर तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा, ये दो स्टेप रिडक्शन हुआ है, और B2S6 इसे एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। क्या आपके पास इतनी बुद्धि है कि इसे रिड्यूस करने के बाद मैंने पलट कर लिखा है? कुछ बच्चे कहते हैं सर ये रिड्यूस हो गया और ये ईस्टर बन गया, डैश ऐसा नहीं है, ये सेम है पोर्शन, अरे टेंशन तो नहीं हो रही, और ये वाला रिड्यूस हो गया है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन जेई को बहुत पसंद है, तो आई होप कि आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से सोच समझ के करने चाहिए। ठीक है भाई, चले आगे। आई लाइक एक बहुत सुंदर क्वेश्चन मेरा देने का मन कर रहा है 23rd एंड सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज, क्लियर। मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूं, क्वेश्चन इधर लिख देता हूं, COCl एंड दिस इज COOH, क्लियर। सारे लोग देखेंगे, एक और थोड़ा सा कार्बन डाल दें इसमें। अब आप देखें कितने लोग के पास बुद्धि है, ये देखिए क्या डाला जाए इसमें। जो प्रश्न ऐसा है, मेरे ख्याल से मैं ऑप्शन ना दूं तो ही अच्छा है, क्योंकि सारी चीजें क्लियर कट दिख रही हैं। देखो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं चलने वाला, क्योंकि उन दोनों के लिए ये ज्यादा रिएक्टिव था, वैसे भी एलएच सेलेक्ट नहीं करता। क्या कुछ याद आया क्या मेरे भाई? मोस्ट अप्रोप्रिएट B2S6, क्योंकि B2S6 इससे तो रिएक्शन ही नहीं करता था, और ये है ना मजेदार। कर लोगे, कर लोगे, बोलो। बोलते नहीं यार, कई बार इस क्वेश्चन को एक लेवल और ऊपर कर दिया जाता है, तो मैं एक लेवल अगर और ऊपर करो तो परेशान मत होना। सारे लोग देखना जरा ध्यान से, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ये जो है ये कौन करेगा, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं मोस्ट नहीं, अब देखना, अब मैं लैंग्वेज थोड़ी बदलता हूं, मोस्ट नहीं, यहां लिखा गया रीजेंट्स, रीजेंट्स, आई थिंक ये लैंग्वेज भी यूज किए, विच कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। अब मल्टीपल चॉइस हो जाएगा, रीजेंट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। आई अब मैं जो चीज लिख रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूं कि आप मुझे ये दे दो, OH डबल बॉन्ड हो, OH, सारे लोग देखे, और ये है LAH, LAH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। भाई वाटर तो डालोगे ना सब में, चलो क्या आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं? ठीक है, ये होमवर्क हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली से सोचना, एक काम करना, एक ही प्रोडक्ट बनाना, वैसे साफ दिख रहा है ये तो आंसर सेलेक्टिव तो होते ही नहीं, ए बी सी डी सबका आंसर बनाना, देखना ये किसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ये करिए होमवर्क, 23rd याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली से करना। मेरे भाई कुछ और क्वेश्चंस हैं, पहले मैं एलएच के बच्चे कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। एलएच एक खास टाइप की डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, वो है सिनेमिक, ये मैंने आपको क्लास में बताया था एलएच। तो आप देखें अगर इस तरीके से बीच में डबल बॉन्ड है, अगर फिनाइल है, इधर ये है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर अगर बेंजोइक एसिड ये नहीं होता, फिनाइल नहीं होता, तो फिर एलएच केवल एसिड को रिड्यूस करता, केवल एसिड को रिड्यूस करता। तो 24 का अगर मैं आंसर लिखता हूं तो वो लिखूंगा PHCH2CH2OH। लेकिन अगर मैं 25 का आंसर लिखता हूं तो वो अनसेचुरेटेड ही आएगा, वो अनसेचुरेटेड ही आएगा। ये ऐसी डबल बॉन्ड को जो सिनामिक है, मतलब सैंडविच है दो ग्रुप के बीच में, स्पेसिफिकली फिनाइल एंड एसिड डेरिवेटिव सेगमेंट। तो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। लाइक वन मोर क्वेश्चन जो कि इसी की तरह दिखता है, इसी की तरह दिखता है, वो है 26। व्हाट इज दैट? ये डबल बॉन्ड हो, ये देखो ये फिनाइल, एंड दिस इज योर एलएच। करोगे, करोगे मेरे भाई? 27 NaBH4, NaBH4 में ये देखा गया है कि वो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर लेता है, वो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर लेता है NaBH4। सो यू वुड गेट आंसर सैचुरेटेड अल्कोहल डबल बॉन्ड वुड गेट रिड्यूस अलोंग विद कार्बोनाइल NaBH4। बट LAH के केस में ऐसा सेगमेंट होना जरूरी है। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ LAH, हमने इसमें बहुत सारी रिएक्शंस की, SBH हो गया, B2S6 की हमने बहुत सारी रिएक्शंस की, तो इसे हटा रहा हूं, एक दो मैं डाइबल एच की और रिएक्शंस आपको बताता हूं, ये हटा रहा हूं मैं।
देख लीजिए, इसे कर लीजिएगा तसल्ली से। That was 27, so 28 से स्टार्ट करेंगे। आइए, देखिए जरा 28, सारे लोग देखिए 28 क्वेश्चन, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट डाइवल एच। मेरे भाई डाइवल एच जो है, जैसे मान लो मैंने इस पे कराया डाइवल एच, ठीक है। तो डाइवल एच को अगर आप सॉल्व करें या इसकी मैकेनिज्म लिखें, तो आप लोग क्या लिखेंगे मैकेनिज्म उस पर आप। ए बचेगा, मैं कोई मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, मुझे सारा ज्ञान प्राप्त है कि ये वन स्टेप रिडक्शन करता है, तो ये इधर जाएगा या इसे लात पड़ेगी। मेरे भाई देखो, ये भी एक सही अप्रोच है, ये आंसर है, ये वन स्टेप रिड्यूस हो गया एंड दैट इज व्हाट एल्डिहाइड, और ये लात खा के अल्कोहल बन गया। मेरे भाई ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन कई बार आपको ऑप्शन ए बी सी डी में ये मिलता ही नहीं। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, लैक्टोन के रिडक्शन में ये बिल्कुल सही बनाया आप लगाइए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये ऑप्शन में होता नहीं। अब आप हो गए ऐसे क्यों नहीं होता, उसका लॉजिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेगमेंट है और OH न्यूक्लियोफिलिक सेगमेंट है। याद करो कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद न्यूक्लियोफाइल्स, लाइक वाटर से तुमने कार्बोनाइल की रिएक्शन करी, एल्कोहल से करी, जिसमें हमने एसिटल और कीटल बनाया था, तो मेरे भाई दरअसल ये रिएक्टिव है और रिएक्शन कंडीशन में ये इस पर रिएक्ट कर जाता है। देख लें आप, तो मेरे भाई बनने वाली जो चीज है वो कुछ इस प्रकार होगी, ओपर माइनस एंड इस ओपर प्लस। अब आपको पता है ये छोड़ेगा वो एच ले लेगा, तो क्या आपके पास ये आंसर है या नहीं। इट्स अ रेसमिक मिक्सचर एंड इट इज हेमी एसिटल, अगर आप देख पा रहे हो ये हेमी एसिटल है और इसकी कैटेगरी का नाम होता है लैक्टोल्स। क्या है ये? लैक्टोल, लैक्टोन से क्या बन गया, लैक्टोल, एंड इट इज ए कैटेगरी ऑफ हेमी एसिटल। अक्सर ये आंसर में दिया होता है ऑप्शंस में, तो आई थिंक इट्स अ लॉजिकल, बिकॉज ये जो आपने बनाया है उसमें ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर रखता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखता है, तो एडिशन तो हो ही जाएगा। अरे ओ यहां जुड़ गया, एच वहां जुड़ गया, एडिशन। तो ये याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है डाइवल एच के केस में। नाउ 29, नाउ थिंक अबाउट 29 इक्वेशन, में बुक से उठाकर दे रहा हूं, आराम से सोचना। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको बस ये बताना है कि क्या ये रिएक्शन सही है या नहीं है, ठीक है। सारे लोग देखेंगे, यहां है डाइवल एक्सिस, डाइवल एक्सिस, जितना लेना है उतना ले लो, जितना डाइवल लेना है उतना ले लो। मैं आंसर भी दूंगा, सारे देखो लेकिन बोर्ड पर। आपको बस इतना बताना है कि क्या ये रिएक्शन ट्रू है, 29, क्या ये बिल्कुल सही रिएक्शन, रिएक्टेंट तो सही है ये, क्या इस रिएक्टेंट और इस रिएजेंट का सेट ये प्रोडक्ट देगा। जब हमने डाइवल को खूब सारा लिया हुआ है, ये आपको सोचना पड़ेगा तसल्ली के साथ, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ डाइवल। बाकी डाइवल का बहुत क्लियर फंडा है, मैं आपको बता चुका हूं, वन स्टेप करता है, ईस्टर है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो एल्कोहल, कीटोन है तो एल्कोहल, एक स्टेप नीचे करता है बस। तो दिस इज ऑल अबाउट, मैं यहां पर आपको ये हटा, एक क्वेश्चन और ले लो, 30 हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट रिएक्टिव, सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट सेंसिटिव, सारे लोग देखें, मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स, देखें कौन आंसर देता सही इसका, टुवर्ड्स रिडक्शन बाय B2S6 से रिडक्शन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है। ऑप्शन LAH,
बी एस बी एच, सी बी टू एस सिक्स, डी आर एम जी एस। मेरे ख्याल से अंधा आदमी भी सही कर दे। एक बच्चे ने कहा सर ये तो हो गया, मैंने कहा कैसे करा, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, एक ही है इलेक्ट्रोफिलिक, और RCONH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन पर जा रहे होंगे, तो इट्स राइट आंसर इज सी। इसका सही जवाब है सी। सही जवाब क्या है मेरे भाई? सी। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं, मैं इसे हटा रहा हूं, एक्चुअली 30 नहीं है, बाकी शुरुआत के 10 क्वेश्चन में हमने सब में चार चार पार्ट किए थे, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ये मैं हटा रहा हूं। ये हटाने के बाद मैं आपको RCOOH के लिए एसिड, प्राइमरी एसिड एमाइड, सेकेंडरी एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, इनकी मैकेनिज्म थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, हटा दे इसे, हटा दे बोलो। हटा ओके। चलिए मैकेनिज्म में चलते हैं, क्या चलते चलते सेगमेंट में एक छोटा सा क्वेश्चन बताओगे? 31 आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LAH रिक्वायर्ड। ध्यान से सुना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LAH रिक्वायर्ड थियोटिकली सही है फॉर ओके। एक काम करो, ध्यान से देखो इसे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LAH रिक्वायर्ड थियोटिकली, सही बात है, पर मोल हम क्या करेंगे, पर मोल ऑफ गिवन कंपाउंड्स। अब आप समझ गए क्वेश्चन क्या है, पर मोल ऑफ गिवन कंपाउंड्स ओके, पर मोल ऑफ गिवन कंपाउंड्स। ये भी एक सिंपल सी कैटेगरी है, या हम उल्टा कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है यार ये ठीक है जो लिखा है, ठीक है। देखो जरा, मैंने आपको दिया RCOCl, मैंने आपको दिया RCOOR-, मैंने आपको दिया RCHO, मैंने आपको दिया कीटोन सॉरी एनहाइड्राइड, मैंने आपको दिया एसिड। देखो ध्यान से देखोगे तो सब हो जाएगा। आप मुझे बताओ, बस प्रोडक्ट तो सबकी पता है ना आपको, क्या आपका छोटा सा दिमाग ये समझ पाया है कि आंसर ये आता है? सारे बोलो, क्या आपका दिमाग ये समझ पाया है या नहीं? तो पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको हर रिएक्शन को पूरा लिखना पड़ेगा, फिर मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि आप खटाखट आंसर निकाल लोगे। क्या आप यही आंसर लिखते हैं या नहीं लिखते बताओ? इसमें दोनों अल्कोहल आ रहे थे, RCH2OH प्लस CH2OH RS, देखो, और यहां आंसर था RCH2OH। सारे लोग देखिएगा, क्या आपको इतना पता था कि ये जो H है वो यहां आ रहा था? सारे बोलो, क्या इतना पता था तुम्हें? बोलो यार डैस, क्या चुपचाप? और क्या आपको पता है ब्लू कलर का एच ले लेते हैं, हाँ ब्लू है पानी पानी, तो क्या आप समझ पा रहे हैं वो एच यहां आता है? वैसे आपको ब्लू एच पर ध्यान देना ही नहीं था, ब्लू एच पर ध्यान देना ही नहीं था, क्योंकि आप LAH के मोल निकाल रहे हैं। दिख रहा भाई साहब, साफ साफ दिख रहा है क्या? ब्लैक पर मैंने रेड का ऊपर से लिख दिया है ओके। तो अब भाई कितना आसान है बताओ जरा, यहां पर देखो कितने एच हैं, सारे देखो इस कार्बन पर कितने एच हैं आपके पास? जीरो। और इस कार्बन पर कितने हैं?
दो, तो क्या आप डेल्टा एनएच देख पा रहे हैं? दो, तो बताओ कितने एच एलएएस से आए हैं? दो आए हैं ना, दो। तो मेरे भाई एक मोल के लिए तो इसका आधा ही चाहिए, इसके एक मोल के लिए इसका आधा मोल चाहिए नहीं चाहिए बताओ? चार एच हैं, तुम्हें दो ही चाहिए। अरे ऐसे क्या भाई साहब, कर लोगे ना, आसान क्वेश्चन। क्या मैं लिख रहा हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलएएच, एन इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ एलएएच, हमने एलएएच लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो क्या आप संतुष्ट हैं? यहां लिख दो 0.5 मोल। सारे बोलो कैसे लिखा 0.5? यहां से यहां दो एच चाहिए आपको, आपको इस रिडक्शन के लिए दो एच चाहिए, चार लेकर आया है, तो आप पूरा क्यों खर्च करोगे? आधा खर्च करना, आधा करना। उसका उल्टा बोलो, इसके एक मोल इसके दो मोल रिड्यूस कर सकता है, इसका एक मोल इसके कंप्लीटली दो मोल रिड्यूस कर सकता है। सेम 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 0.5 मोल एल्डिहाइड में बोलो, एल्डिहाइड एल्डिहाइड में बोलो, एल्डिहाइड में बोलो। पहले इसका हो गया, ये क्लियर हो गया, डेल्टा एनएच क्या था? टू, यहां जीरो, यहां दो हो गया, ये यहां एक, एक एच है और यहां दो, देख रहे हो आप, एक एच है और ये दो। तो मेरे भाई डेल्टा एनएच यहां एक ही आया, यानी कि कितने मोल? 0.25 मोल। अरे भाई समझ में आ रहा क्या? एक एच पहले से था और एक एच एक्स्ट्रा आया है, तो चार एच लेके आया है, तो उसका एक चौथाई तो यूज किया तुमने। मेरे भाई यहां कितने थे? जीरो, ये दो, यहां जीरो, ये दो। अरे भाई साहब मामला समझ में आया कि नहीं आया बताओ? डेल्टा एनएच कितना है? चार। मेरे भाई पूरा एक एलएच लगेगा, पूरा एक एलएच लगेगा। मेरे भाई यही कहते हैं कि अंटिल अनलेस यू डोंट नो मैकेनिज्म, सारे क्वेश्चन सही नहीं हो सकते, सारे क्वेश्चन सही नहीं हो सकते। आर सी डबल एच, इसमें आपका ये फंडा बेकार हो जाता है और 0.75 मोल लगता है। क्या लगता है? 0.75 मोल। अब कैसे लगता है इसके लिए उल्टा कर लो। अगर 0.75 मोल दिया गया है तो H कितने कंज्यूम हुए होंगे? तीन। LH के H कितने कंज्यूम हुए? तीन। कैसे, कहां? उसके लिए करेंगे मैकेनिज्म। लास्ट वाले को भी हम मैकेनिज्म से सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से दिख जाएगा। LH को तीन H छोड़ने पड़ते हैं, LH के तीन H के बाद ही आंसर मिलता है, तो ये हम अभी करने वाले हैं। बाकी पार्ट बहुत क्लियर है और जब हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बाकी तो ठीक है, इसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान देना था, लॉजिकल होगा वो। तो मेरे भाई इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज उल्टी भी हो सकती है। एक LH कितने एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा? आंसर है दो। एक LH कितने ईस्टर को करेगा? दो। एक LH कितने लेड को करेगा? चार। एक LH कितने नाइट्राइड को करेगा? एक। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, मैंने शायद सही किया है, सब कुछ सही। अब मैं आपको कुछ चीजें दे देता हूं, फिर मैकेनिज्म पर ले चलते हैं। अभी भी मुझे याद आया कि अगर अगर आप ये समझ गए हैं तो क्या आप इन क्वेश्चंस का बिल्कुल सही सही आंसर बना सकते हैं? LiAlH4 और ये है D2O, बोलो बना लोगे? कौन कहां जाएगा पता है ना आपको, बोलते तो हो नहीं तुम लोग। अच्छा अब मैंने थोड़ा और चेंज किया, LiAlD4 और ये है मेरे भाई H2O, ये कर लोगे? यहां D आएगा, यहां H आएगा। और भी कॉम्बिनेशंस हैं जनाब, और भी कॉम्बिनेशंस हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, LiAlD4 एंड D2O, है ना मजेदार? क्या करोगे? इधर भी डी आएगा, इधर भी आएगा, बहुत आसान। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी LiLH4 से पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। मेरे भाई बहुत खूबसूरत क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसे कराऊं। 35, सारे लोग देखना, सारे लोग, आपको समझ में आएगा। मैंने आपको दिया है ये कीटोन, सारे लोग देखो, ये कीटोन है, कीटोन।
और ये दिया है ईस्टर। ठीक है, सोचने वाली बात यह है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या क्या किया जाए, क्या किया जाए सो दैट मुझे आंसर ये मिले। सारे लोग देखेंगे, सोचो इस बात को, सोचो इस बात को, कैसे करोगे आप? कन्वर्जन है ये, इस कन्वर्जन में अच्छा एलएएच यूज करना है। आप कुछ भी यूज करो बट एलएएच जरूर यूज करो। अब आपका भेजा ब्लो हो जाएगा कि सर एलएएच तो दोनों को करेगा, ध्यान से सुनना, एलएएच तो दोनों को करेगा और इन दोनों में भी अगर रिएक्टिविटी देखो तो इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी एलएएच के लिए, यहां प्लस ज्यादा होगा तो एलएएच डालोगे तो ये भी अल्कोहल हो जाएगा, ये भी अल्कोहल हो जाएगा। आंसर बता रहा है नहीं केवल यही अल्कोहल हुआ है, ज्यादा रिएक्टिव वाला वैसे ही है। तो क्या आपके भेजे के किसी कोने में यह बात आ रही है कि सर इसे प्रोटेक्ट कर लो, इसे प्रोटेक्ट कर लो, प्रोटेक्ट ऐसा प्रोटेक्ट करना कि कोई उसे छू ना पाए। मेरे भाई मैं कुछ बेहतरीन चीज बता रहा हूं फॉर 35, फॉर 35 मैं यहां पर सॉल्यूशन ऑफ 35 लिख रहा हूं। आप लोग बस ये विचार करो कि क्या ये काम का है या नहीं। मेरे भाई ये रिजल्ट याद है, कुछ दिन पहले पढ़ा था हमने, पीएच 4.5 to 6 एडिशन ऑफ एल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड, ये न्यूक्लियोफाइल है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कीटोन। तो जैसे आप वन अप्लाई करोगे, जैसे आप वन अप्लाई करोगे तो क्या आपको लगता है आपका जो कंपाउंड है वो इसमें बदल जाएगा? कुछ याद आया क्या? कीटल में बहुत खूबसूरत रिएक्शन है, जैसे आप ये अप्लाई करोगे मोस्ट रिएक्टिव पर रिएक्शन होगी और वो कीटल में बदल जाएगा। मेरे भाई कीटल आपको याद है बेसिक मीडियम में भयंकर स्टेबल होता था, कोई टच नहीं कर सकता था ऐसे बेसिक मीडियम। अब तुमने क्या डाला? सेकंड, वही पुराना तुम्हारा बहाना एलएएच। एलएएच एसिडिक मीडियम में खुद एग्जिस्ट नहीं करता, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसकी कंडीशन बेसिक होती है, एच माइनस दे रहा है तो ये इसे टच भी नहीं करेगा, इसे रिलीज कर देगा। और अगर आप देख पा रहे हैं कि ये रिड्यूस होकर एल्कोहल देगा, देगा या नहीं देगा? और थर्ड, आपको याद है एसिटल और कीटल एसिडिक मीडियम में टूट जाते थे, बस मार लो खींच के, कन्वर्जन है कन्वर्जन। क्या मिल गया है? सच बोलो, क्या मिल गया है वो? तो मेरे भाई आप ऐसी रिएक्शन से अभी मुलाकात कर रहे थे जिसमें हम कुछ कार्बोनाइल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ कार्बोनाइल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए ध्यान से इसे देख लें, सीख लें, समझ लें, लिख लें और हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम कुछ नए रिड्यूसिंग एजेंट्स करेंगे। यह कह रहा हूं भाई साहब, बहुत मजेदार चीज है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको। और आपको यह भी लग रहा होगा कि यहां से कंटेंट काफी है पूछने के लिए, आता भी भाई साहब हर साल आता है, हर साल आता है इधर से। ओके, आप लोगों को एल्कोहल ईथर और रिडक्शन की सीट मिल गई है, एल्कोहल ईथर और रिडक्शन की सीट मिल गई है। तो एल्कोहल ईथर के कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, एल्कोहल ईथर की सीट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, वो आप करिएगा। रिडक्शन में जो जो रीजेंट हमने पढ़ लिए हैं, जो रीजेंट, वो रीजेंट के क्वेश्चन आप करना चालू करें। ठीक है, 5 रीजेंट पढ़ चुके हैं और आज हम 3-4 और पढ़ लेंगे। चलिए आइए, आज का जो टारगेट है महा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जो आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग देखेंगे। आज की टारगेट का, आज की रिडक्शन का जो है वो एक टारगेट बहुत यूनिक है। जितने रीजेंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो इस कीटोन को या एल्डिहाइड को, स्पेसिफिकली नोट करना, एल्डिहाइड को या कीटोन को, मैं लिख भी देता हूं, एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब मैं जो सब में कॉमन है वो लिख रहा हूं। अभी तक 5 रीजेंट पढ़े, 5 इसे रिड्यूस कर रहे थे
और पांचों इसे अल्कोहल बना रहे थे, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हो वो सारे रिएजेंट कार्बोनाइल को एल्केन तक खींच के ले जाएंगे, यानी कि कार्बोनाइल से अल्कोहल से और नीचे एल्केन, ये होगा रिएक्टेंट, ये होगा प्रोडक्ट, ये होगा रिएक्टेंट, ये होगा प्रोडक्ट। इसके साथ और भी रिएक्शन होते होंगे, बट मेन टारगेटेड रिएक्शन ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूं महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैटेगरी में आज जो पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, सारे लोग सुने। कार्बोनाइल को रिड्यूस करता है ये CH2 में। क्या यूज करते हैं? जिंक मरकरी HCl, जिंक मरकरी HCl। अब मेरे भाई, मैं पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है, एक बहुत अगले दो मिनट बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। सोडियम इथेनॉल से रिएक्शन करता है, Na इलेक्ट्रॉन देता है, H प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। इसीलिए याद करो वुड्स रिएक्शन में Na को हम ईथर में ला रहे थे, Na को सोडियम को हम ईथर में ला रहे थे ताकि सोडियम किसी भी तरीके से बर्बाद ना। एग्रीड, वुड्स रिएक्शन में हम सोडियम को मॉइस्चर से बचा रहे थे, मॉइस्चर वॉटर उसमें भी OH होता है। लेकिन आज इसी चैप्टर में आप ऐसा रीजन भी देखोगे सोडियम इन इथेनॉल, ये कंफ्यूजिंग होगा। वहां सोडियम को मॉइस्चर से बचा रहे हैं, वहां सोडियम को एल्कोहल से बचा रहे हैं, वहां सबसे बचा रहे, और यहां लिखा है सोडियम इन इथेनॉल, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, अमोनिया में भी नाइट्रोजन पर एच। तो आखिर यह है क्या? जैसे यहां देखो जिंक एमलगम इन HCl। मेरे भाई दरअसल फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक आएगा लिक्विड सोल्यूशन, उसमें आप पढ़ेंगे लिक्विड सोल्यूशन में कोलाइडल सोल्यूशन भी पढ़ेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन। मेरे भाई दरअसल सोडियम इन इथेनॉल इज ए काइंड ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ये ऐसा होता है कि ये एक साथ मौजूद होने के बाद भी एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर सकते, बट ये दोनों रिएक्टेंट के लिए एट ए टाइम उपलब्ध रहते हैं। मतलब इनके बीच में एक ऐसा सस्पेंडेड, सोडियम इन इथेनॉल इज ए काइंड ऑफ सस्पेंडेड सोल्यूशन इन विच दे कांट रिएक्ट विथ ईच अदर बट दे कैन सप्लाई, बट दे आर अवेलेबल फॉर रिएक्टेंट एवरी टाइम। तो याद रखना सोडियम इन इथेनॉल यदि एक रीजेंट है वो इस चैप्टर में आएगा, रिडक्शन में आएगा। तो आप जैसे जेडन एजी इन HCl लिखा हुआ, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ये रीजेंट है क्लीमेंसन रिडक्शन का। और इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, सुन ले। इन दिस रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है, आईटी कई बार पूछ चुका है, हर साल आने वाली रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड, अब सारे लोग देखो पहली गलती जो आप करोगे, आपका भेजा क्या ऐसा कर रहा है, सी डबल बॉन्डो को CH2 बनाओ, सी डबल बॉन्डो को CH2 बनाओ, सी डबल नहीं रे, हर सी डबल बॉन्डो को CH2 नहीं बनाना, केवल एल्डिहाइड और कीटोन। इन दिस रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड, मैं बार बार इस पर जोर डाल रहा हूं, यही रायता फैलाओगे तुम, एल्डिहाइड एंड कीटोन, सही है, रिड्यूसेस रिड्यूसेस इन टू हाइड्रोकार्बन, रिड्यूसेस इन टू हाइड्रोकार्बन बाय HG को बोलते हैं एमलगम, क्या बोलते हैं एमलगम, बाय एमलगमेटेड जिंक, एमलगमेटेड जिंक। आपको याद है आपने इससे पहले एक और रिएक्शन ली थी, दैट वाज एसाइलोइन, इसमें था NaHG इन NaHG और फिर था वाटर सेकंड पॉइंट में। तो दिस HG इज डजंट हैव एनी इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, ये सरफेस एरिया से रिलेट करता है, वो आपके लिए अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखें। पर मजेदार चीज क्या है वो सुने, मजेदार चीज सुनना, वो ये है कि क्लीमेंसन रिडक्शन की कोई भी मैकेनियम आज तक फाइनल नहीं हुई है। मैं इसकी 3 मैकेनियम जानता हूं, बट नन ऑफ द मैकेनियम इज टिल नाउ फाइनल, अभी तक है ही नहीं, इज नॉट फाइनलाइज टिल नाउ। तो रिलैक्स, इसकी मैकेनियम नहीं करनी है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशंस हैं जिस पर हमें बात करनी पड़ेगी। पहली बात, नोट पर हम खुला लिखेंगे, खुला लिखेंगे नोट में, सारे लोग सुनना, यहीं से IIT ने क्वेश्चन पूछ लिया था। फर्स्ट, इट रिड्यूसेस, फिर से मैं हाईलाइट करूंगा, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स,
ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मेरे ख्याल से ये बात आपके भेजे में जा रही है, ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। मजेदार चीज सुनना, आप एल्डिहाइड कीटोन के अलावा किसी को मत करना। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इट नेवर रिड्यूसेस। इस पर देखना, एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप फेल जाओगे, बहुत सिंपल है, आपको लिख कर बता रहा हूं मैं। इट नेवर रिड्यूसेस एल्कोहल OH ग्रुप, ये OH ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। मेरे भाई सोचो कितनी अजीबोगरीब मैकेनिज्म होगी, क्योंकि ये तो एल्कोहल फिर नीचे नहीं, कोई और रास्ता लिया होगा ऐसी। इट नेवर रिड्यूसेस OH ग्रुप। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो मेरे भाई मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, जब मैं इसका ये एक और रीजन, एक और रिएक्शन आपको करा दू। आइए जरा सारे लोग देखिए, अच्छा नंबर डाल लेते हैं। ग्रिग्नार्ड वाज फर्स्ट, चार आपने पिछली क्लास में पढ़े, पांच तो ये छठा रिजल्ट है। सातवां देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सातवां जो है मेरे भाई वो है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। दोनों रिएक्शंस को एक साथ दिमाग में रखते हुए आईटीजेईवी क्वेश्चन बनाता है। आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है, थोड़ी देर देख लो बस। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में सेम काम होता है मेरे भाई, कार्बोनाइल को CH2 में रिड्यूस करते हैं। अब आप कहोगे इतना गैप, जरूर कुछ लोचा है, कोई लोचा नहीं, आओ बताता हूं। इसमें क्या करते हैं, कार्बोनाइल को पहले हाइड्राजोन में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्राजोन या उसके डेरिवेटिव। अब आप कहोगे ये क्या है, हाइड्राजोन खतरनाक सा आ गया मेरे भाई, इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं किया। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल एंड प्राइमरी एमीन NH2Z वाली रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखे थे। हाइड्राजीन लिया था लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट हमने बनाया था, दैट वाज हाइड्राजोन। pH 4.526 कहानी तुम्हें याद होनी चाहिए मेरे भाई, क्या याद है, ये जल निकला था ऐसे, वहां पूरी मैकेनिज्म की हुई है, इसलिए यहां मैकेनिज्म नहीं करूंगा। आप देखें ये कार्बोनाइल बदल गया हाइड्राजोन में, ये कार्बोनाइल बदल गया हाइड्राजोन में, तो कार्बोनाइल कंपाउंड हाइड्राजोन में बदला जाता है, और हाइड्राजोन को, ध्यान से सुनना, हाइड्राजोन को बेसिक मीडियम में हीट किया जाता है। मेरे भाई जैसे ही हाइड्राजोन को आप बेसिक मीडियम में हीट करते हो, इट गेट्स रिड्यूस्ड इंटू करस्पॉन्डिंग एल्केन। अब क्यों है इन दोनों रिएक्शंस को साथ में पढ़ा जाना मेरे भाई, ये रिडक्शन एसिडिक कंडीशन में है, ये रिडक्शन बेसिक कंडीशन में है, दैट्स वाई इन दोनों को बहुत खास तरीके से यूज किया जा सकता है। सेलेक्टिविटी की वजह से एसिडिक मीडियम में है वो बेसिक मीडियम में है। आपके कंपाउंड में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप एसिडिक मीडियम में नहीं कर पा रहे होंगे, बेसिक मीडियम वो यूज करना पड़ेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी बेसिक मीडियम में नहीं कर पा रहे होंगे तो ये यूज करेंगे। ये मजेदार चीज है, बस उसका इंतजार करिए कि ये करने के बाद हम क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन करें। क्लीमेंसन एंड वुल्फ किस्नर, तो मेरे भाई एक बच्चे ने कहा सर गजब बेवकूफ बनाया आपने। मैंने कहा कैसे, कह रहा याद करो आपने इस रिएक्शन के दौरान बहुत बार बोला था कि pH 4.526 होगा। मैंने कहा हां, कह रहे तो फिर ये भी एसिडिक कंडीशन है, अरे डैश सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा इसका रिडक्शन एसिडिक मीडियम में, इसका रिडक्शन बेसिक मीडियम में, अगर आपके पास दिमाग है तो आप देखो यहां से यहां तक रिडक्शन हुआ ही नहीं। ये दो बॉन्ड कार्बन, दो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बना रहा है, यहां भी कार्बन दो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बना रहा है, दरअसल रिडक्शन हुआ ही आखिरी स्टेप में। तो ये लाइन बिल्कुल वैलिड है, दैट रिडक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक कंडीशन, रिडक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक कंडीशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट। एंड इसकी मैकेनिज्म वेल नोन है, तो सो डोंट वरी, इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे, ठीक है। तो पहले इस रिएक्शन के बारे में दो लाइनें हो जाए, यहां से लिखेंगे इन दिस रिडक्शन, इन दिस रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड फर्स्ट कन्वर्टेड
फर्स्ट कन्वर्टेड किसमें दोस्तों, एन टू हाइड्राजोन, या आगे चलकर आप देखेंगे हम इसका कोई और डेरिवेटिव ले सकते हैं, और इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, और ले लो, और इट्स डेरिवेटिव, सही है, एंड देन इट इज रिड्यूस्ड इन बेसिक कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, N2CH2। आपको पता है इस रिएक्शन में क्या होता है, तो मैं इसकी सीधे सीधे मैकेनिज्म पर चर्चा करूंगा, ठीक है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, आपको ये मैं बता चुका हूं कि इसके पहले स्टेप की मैकेनिज्म मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, पहले स्टेप की मैकेनिज्म आपकी कॉपी में लिखी, तो मैं सेकेंड स्टेप की मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूं। मेरे भाई अगर ध्यान से देखो तो आपको पूरी मैकेनिज्म का आइडिया भी है। देखो कैसे, देखो ये दो एच इस कार्बन पर आ गए और दो एन बाहर हैं, तो भाई साहब एन टू गैस बन के ही निकला होगा। खैर बेस को क्या पसंद है, बोलो ओएच माइनस बेस को क्या पसंद है, पिछला फिर कह रहा है देखो बेबी को बेस पसंद है, बेस को क्या पसंद है, हमें क्या पता, अरे बेस को एच प्लस पसंद है, और बेस एच प्लस लेकर जल बनाकर भागेगा या नहीं बताओ, और जल बनाकर भागेगा तो क्या आप देख पाए हो, कि एन डबल एन एच माइनस ये आया है या नहीं, और क्या आप देख पा रहे हो कि ये माइनस रेजोनेंस के वजह से कार्बन पर, क्या आप सच बताओ ये आपकी निगाहें देख पाई हैं कि ये रेजोनेंस की वजह से कार्बन पर ही है, और सी पर माइनस बहुत स्ट्रांग बेस चुरा ले जाएगा क्या जल से एच, और अगर ये जल से एच चुराएगा तो सच बताओ क्या आपको ये मिलेगा या नहीं। सारे एक एच हम यहां पहुंचाने में कारगर, देखो हम कामयाब हो गए हैं, फिर कौन आएगा, बेस, और एक बार फिर से पूछूंगा बेस को क्या पसंद है, आप कहोगे एच, मेरे भाई ये एच लेगा तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी, ये एच लेगा तो रिएक्शन आगे जाएगी, ये देखिए जल निकल गया, और जल निकल गया महाराज तो क्या बचा, सी एच, और आएगा क्या एन डबल एन पर माइनस। सारे देखो मेरे भाई आपको पता है N2 सुपर लिविंग ग्रुप में शुमार होता है, N2 यहां से भाग जाता है, N2 यहां से भागता है और आपको देखा जाता है एक कार्बेनायन, और ये कार्बेनायन चुरा लेगा जल से क्या H, और जल से H चुराएगा तो आपको मिल जाएगा CH2। मेरे भाई दिस इज मैकेनिज्म फॉर वुल्फ-किसलर रिडक्शन, एंड इसका नोट लगाएंगे, जैसे इसका नोट है इसके नोट में भी हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, एंड दिस इज आल्सो स्पेसिफिकली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, आप एल्डिहाइड कीटोन के लिए करें, एल्डिहाइड कीटोन या हाइड्राजोन डायरेक्टली हो सकता है, ये ना दिया जाए ये दिया जाए और KOH डेल्टा दिया जाए तो आपको उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। सो नोट में लिखते हैं कुछ, नोट में फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या है, कार्बेनायन इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट, इट रिड्यूसेस, किसे रिड्यूस करता है बताओ, इट रिड्यूसेस एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और बोलो हाइड्राजोन्स। मेरे भाई अगर ये एक कीटोन हो और एक ये कंपाउंड में हो, इधर कीटोन इधर हाइड्राजोन, तो दोनों को कर देगा, भाई कीटोन को बनाना पड़ेगा हाइड्राजोन, ये तो रेडीमेड बना बनाए। थर्ड पॉइंट सोचो मैं क्या लिखाऊंगा, जैसे वहां का थर्ड पॉइंट मीडियम सेंसिटिविटी के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो मीडियम सेंसिटिविटी के लिए वो थर्ड पॉइंट मैं आपको लिखाने वाला हूं, ठीक है। इन पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ जगहों पर ये यूज नहीं हो पाता वहां ये यूज करते हैं, और कुछ जगहों पर ये यूज नहीं हो पाता वहां ये यूज करते हैं। तो आप रिडक्शन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट थीजेंट्स पढ़ रहे हैं, एक है डिमेंशन रिडक्शन और एक है वुल्फ-किसलर रिडक्शन। आज हम देखिए, हमने इसके नोट में दो पॉइंट लिखे कि ये केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, सेम विद इसका भी सेकंड पॉइंट है, दिस रिड्यूसेस एल्डिहाइड कीटोन्स एंड हाइड्राजोन्स। क्या है हाइड्राजोन्स, NH2Z वाली रिएक्शन में पढ़ा,
ये OH को कभी रिड्यूस नहीं करता, ये डेटा था, मैंने आपको बताया था, एंड यहां कार्बेनायन इंटरमीडिएट था। अब हम बात करेंगे उस थर्ड पॉइंट की जो लास्ट में हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था, आगे के लिए छोड़ दिया था। थर्ड पॉइंट की बात होगी अभी के अभी, सारे लोग ध्यान से सुने। थर्ड पॉइंट लिखा जाएगा महा इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड पॉइंट लिखने के लिए मैं पहले यहां एक एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है, तैयार है आप? मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, फिलहाल मैं इसे हटा देता हूं। नोट सारे रखूंगा, ठीक है ना, और यहां पर पहले मैं आपको पोजीशन और सिचुएशन क्लियर कराऊंगा, उसके बाद में हम पॉइंट्स यहां ऐड करेंगे। सारे लोग देखिए, टेंशन नहीं लेना है भाई, किसी टेंशन नहीं लेना है, आई करें, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहां पर, जिसमें आपके प्रीमेंशन और क्वेश्चन दोनों मिक्स होंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन। मैंने भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन, अगर मैं यहां आपको देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन कराऊं या वॉल्फ क्वेश्चन कराऊं, आपको पता है सेम आंसर है। मैंने भाई ये हलवा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ये हलवा क्वेश्चन, मुझको नहीं लगता कि यहां आपको कोई दिक्कत आएगी। ध्यान से क्वेश्चन देखो और इनके आंसर्स के बारे में सोचो, जल्दी से देखो सारे बोर्ड पर, देखो सारे बोर्ड पर, यहां क्लीमेंसन रिडक्शन, सीआर मतलब है क्लीमेंसन रिडक्शन और डब्ल्यू के मतलब है वॉल्व किस्मत, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस में तो हमें पता है कि प्रोपेन आ जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, यहां दो एच आ जाएगा, प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेन, मेरे भाई एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस होता है, इसमें कोई इश्यू नहीं। यहां पर बताओ क्या जाएगा, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन, समझना बात क्वेश्चन के जज्बात। मेरे भाई अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है। क्वेश्चन नंबर फोर, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, ये देखिए, और मैंने आपको दे दिया ZN HCl की जगह मैंने क्या कर दिया ZN HG DCl। तो मेरे भाई जब HCl था तो H लगता था, तो जब DCl होगा तो क्या आपके पास बुद्धि लग रही है आपकी कि नहीं लग रही, D लगेगा ना। और सिमिलियरली आप जरा वोल्फ किस्नर को समझना, वोल्फ किस्नर के दो स्टेप होते, पहले स्टेप हाइड्राजोन बनाया जाता है, पहले स्टेप में क्या बनाया जाता है हाइड्राजोन, और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं उसे रिड्यूस करते हैं बेसिकली। तो मेरे भाई आपको ये ऐसा लिख कर दिया जा सकता है NH2, चलो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ब्यूटेन कर देता हूं, NH2 NH2, सारे लोग देखना, सेकेंड OH माइनस डेल्टा, ये एक साथ लिखा हुआ है, ये वोल्फ किस्नर है। देखो पहला हाइड्रोजन बनेगा उसके बाद बेसिक मिडिल नहीं। मेरे भाई सोचो और ध्यान से सोचो, अगर मैं आपको यहां पर इसे मैं पैक करके लिख सकता हूं, NH2 NH2 को मैं N2H4 लिख सकता हूं, देखो दो N है चार H, लेकिन मैं आपको अगर N2D4 दूं क्या दिक्कत, तब भी हाइड्रोजन बनेगा। और मैंने यहां पर OD माइनस डेल्टा दिया है, तो क्या आपके भेजे में दो डी आ गए या नहीं आ गए, OD माइनस डेल्टा पूरी मैकेनियम करना, एच की जगह डी लगेगा। ये बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं क्लीमेंसन वॉल्फ किस्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन दूंगा जो महा इंपॉर्टेंट है, आसान होगी बस पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ना भूल पाएंगे। अभी आएगा वो ब्रह्मास्त्र थर्ड पॉइंट, उस पर भी आईटीजी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा और इस पर भी बहुत बार पूछा है। क्या है सारे लोग देखो क्या है मेरे भाई, ये दरअसल क्वेश्चन ये, नीचे एक एसिड ग्रुप, इधर एक एसिड है, इधर एक कीटोन,
अब होता क्या है, जब एग्जाम में जेडन एचडीएससीएल आता है क्लीमेंसन, या मेरे भाई आता है वोल्फ्किस्नर, वोल्फ्किस्नर को पहचान लो, N2H4OH- डेल्टा ऐसे लिखकर आएगा, N2H4OH- डेल्टा ऐसे लिखकर आएगा, तब आपके दिमाग में केवल इतना पड़ा रहता है कि सी डबल बॉन्डो को रिड्यूस करता है, तो आप इसके साथ इसे भी निपटा देते हो। जबकि हम इतनी बार लिख चुके हैं कि ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। तो मेरे भाई ये आपका कीटोन है, लेकिन ये कीटोन नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जवाब एसिड आएगा, ऊपर वाला सेगमेंट रिड्यूस हो जाएगा, नीचे वाला सेगमेंट जो है वो आप देख सकते हैं एज ए एसिड ही रहेगा। बात अगर मैं क्लीमेंसन की करता हूं, तो मेरे भाई आप देखें यहां सॉल्ट आ जाएगा, ये माइनस तो इसका है, यहां आप देखें सी डबल बॉन्ड हो ओ माइनस है, अरे बेस में एसिड नहीं आएगा सॉल्ट आएगा, बट आप देखें कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम कि एक जगह एसिड है केवल कीटोन रिड्यूस हुआ है, दूसरी जगह सॉल्ट है, सॉल्ट और केवल कीटोन रिड्यूस हुआ है। सो ये जो सात एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, ये सात में सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से लिखे, ठीक है। मेहताब के सात क्वेश्चंस इन्हें लिखा रहे तो थोड़ी देर, अभी मैं ऐड करना है, आप लोग अभी अगर लिख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं तो यहां थर्ड पॉइंट में तीन लाइनें छोड़ देना, इसके भी थर्ड पॉइंट में तीन लाइन, इसके भी थर्ड पॉइंट में तीन लाइन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस लिखना, उसके बाद ये क्वेश्चंस लिखना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सात के बाद अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको दिया क्वेश्चन नंबर तीन, मैं इस चीज की बात कर रहा था कुछ दिन पहले, सारे लोग ये है कीटोन और ये है हाइड्राजोन, तो अगर आपने यहां पर N2H4 और सेकेंड में OH माइनस डेल्टा किया तो मेरे भाई ये भी रिड्यूस होगा और ये भी रिड्यूस होगा, और क्या मिलेगा आप देखो, ये मिलेगा, ये भी CH2 में, ये तो रेडीमेड है, ये रेडीमेड है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन बनना है आपको, अगर याद हो, आपको अगर याद हो तो कीटोन से हम हाइड्राजोन बनाते हैं ऐसे, जब हमने कार्बोनाइल पर NH2Z की रिएक्शन पढ़ी थी तब हमने एक और रिएक्शन पढ़ी थी सेमी कार्बेजाइड, आप चेक करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद NH2Z में सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन कराई थी और बनने वाली चीज थी सेमी कार्बाजोन। तो मेरे भाई आप बिल्कुल टेंशन नहीं है, अगर हमने इसे ये रेडीमेड बना हुआ है तो हमें बस सेकेंड स्टेप यूज करना है, आंसर इसका साइक्लोपेंटेन। तो ये आप थोड़ा सा खाली टाइम जब हो तो इसकी मैकेनिज्म पर विचार करना, जब खाली टाइम, ओके। तो ये आप देख सकते हैं वोल्फ्किस्नर के बारे में हमने यहां पर बात की, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है, डबल बॉन्डो एंड एसिड, ये अभी अभी सातवें क्वेश्चन के जैसा है, अगेन लाइक सेवेंथ क्वेश्चन क्लीमेंसन एंड वोल्फ्किस्नर इंडक्शन, तो आप टेंथ क्वेश्चन कर लीजिएगा, बट ना आइए और ध्यान से सुन, IIT JEE ने क्लीमेंसन और वोल्फ्किस्नर को बहुत स्मार्टली पूछा, कैसे पूछा वो मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 से पूछा मेरे भाई IIT JEE ऐसा कर, उसने ये दिया कीटोन, सारे लोग उसने दिया ये कीटोन, यहां लगा दिया क्वेश्चन मार्क और यहां दिया ये, ध्यान से देखो दिख रहा है क्या आप लोग को, ये आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप देख ले, सोच ले, समझ ले, और अब पूछा क्या जाता है ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूंगी इसमें हम क्या ले तो आप कहोगे क्लीमेंसन ले लो या वोल्फ्किस्नर ले लो, आप तो क्लियर ये बोलेंगे, लेकिन IIT JEE ने क्या किया, उसने यहां पर OH लगा, यहां OH लगा, अब ध्यान से सुनना, और उसने कहा ये बना, उसने कहा ये बनाना, आप सारे बुद्धि लगा लेना यहां पर, क्वेश्चन था मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस कन्वर्जन,
फॉर दिस कन्वर्जन। मेरे भाई अब समझना, आपको आप में से कई बच्चे ऐसी बुद्धि लगाएंगे, एक मिनट अगर क्लीमेंसन कराया जाए तो ये तो यहीं जाएगा, ठीक है, और सर ने लिखाया है कि क्लीमेंसन ओएच को रिड्यूस नहीं करता, तो आप कहोगे देखो भैया मजा आ गया, क्लीमेंसन इसका सही आंसर है। एक मिनट बुद्धिमानो, क्लीमेंसन ओएच को रिड्यूस नहीं करता, आई एग्री, लेकिन मैंने ये थोड़ा मना किया कि क्लीमेंसन ओएच को ओएच से रिएक्शन नहीं कर सकता, रिडक्शन इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन, बट रिएक्शन कर सकता है, यानी हो सकता है ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसमें रिडक्शन ना हो रहा हो, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे भाई आइए और केवल एक वर्ड को समझिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मैं ऑप्शन मारता हूं आपके ऊपर, ठीक है, फिर देखिएगा क्वेश्चन। पहला तो LiAlH4, आई थिंक इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता भाई साहब, एल्केन नहीं बनाता, अल्कोहल ही बनाता है। बी है ZnHgCl, ओके, ये थोड़ा सा रेंज में आया। सी है आपका N2H4 फर्स्ट, और सेकेंड है आपका OH- का, और डी है आपका NaBH4। मेरे भाई क्लियर कट AnD इज नॉट द आंसर, AnD आंसर नहीं, ठीक है, बी और सी में ही कोई एक आंसर। आइए मेरे भाई, दोनों सही लग रहे हैं बट मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मुझे बताओ क्या यहां HCl दिख रहा है या नहीं, तो क्या OH HCl से कोई रिएक्शन कर सकता है, क्या कभी पढ़ा है जीवन, क्या OH HCl से कोई रिएक्शन कर सकता है, क्या OH एसिड से कोई रिएक्शन कर सकता है, यस, आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन में, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद लुकास रीजन, मेरे भाई OH की जगह Cl आ जाता है, OH की जगह Cl आ जाता है और ये रिडक्शन नहीं होता। मेरे भाई आप देख सकते हैं OH एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप, OH कैसा है मेरे भाई, OH एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो अगर आप ऐसा रीजेंट यूज करेंगे जिसमें एसिड है तो ये एसिड के लिए सेंसिटिव है, तो ये रिएक्शन करके अपने आप को बदल सकता है, तो अगर आपने बी ऑप्शन लिया होता तो इस बात के भी चांसेस होते कि ये तो ऐसा ही हो जाए लेकिन OH की जगह पर Cl आ जाए या कुछ और हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसी आशंका के तहत हमने बी आंसर डिस्कार्ड कर दिया एंड सी इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि OH माइनस में कुछ नया नहीं करेगा, ये बेस है, क्या समझ रहे हैं मेरी बात, OH बेस में स्टेबल रहता है लेकिन एसिड में वो लीविंग ग्रुप बन के निकल जाता है। तो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नो डाउट चाइना। तो क्या आपने देखा क्लीमेंसन रिडक्शन उस जगह बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं मानते हैं जहां कैसा ग्रुप मौजूद है, एसिड सेंसिटिव, उस जगह हम वोल्केनर यूज कर लेंगे, सही बात है। सोचो अगर इसका उल्टा होता, अगर यहां बेस सेंसिटिव ग्रुप होता तो फिर ये अपने काम में नहीं आता, मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होगा, सही बात है, बेस सेंसिटिव का मतलब होता है बेस से रिएक्टिव, ठीक है, तो इस बात को थर्ड पॉइंट में लिखना जो कि महाइंपोर्टेंट, so I am adding this third point here that Clemensen reduction is usually not selected for reduction of carbonyl compounds, सारे लोग देखें, having क्या बोलते एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ओके, क्या यूज करेंगे, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन इज प्रेफर्ड, जहां एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है वहां ये कर,
मेरे भाई क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं? अब आप समझ गए होंगे मैं किस भरोसे की बात कर रहा हूं। सेम काइंड ऑफ लाइन वी कैन एड इन वॉल्केस्नर, लाइक अ वॉल्केस्नर रिडक्शन, ठीक है। इज यूजुअली मैं वही ले रहा हूं, इज यूजुअली नॉट सेलेक्टेड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग, बोलो, बेस सेंसिटिव ग्रुप। अच्छा तो बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन से, बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन से, क्या यूज किया जाता है? डिमेंशन रिडक्शन इज प्रेफर्ड, बोलो बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन से। अरे भाई पूरा एलिमिनेशन पढ़ डाला है बेस से, पूरा एलिमिनेशन। क्या आपको पता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें लीविंग टेंडेंसी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें लीविंग टेंडेंसी है वो बेस सेंसिटिव हो जाए। मेरे भाई आपके वो जो नोट में तीन तीन लाइनें आपने छोड़ी थी वहां ये कंटेंट लिखना है आप, सही है। एंड दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये महान इंपॉर्टेंट, उसी का एप्लीकेशन है मेरे भाई, उसी का एप्लीकेशन है। तो आई थिंक आप बहुत आराम से समझ रहे हैं, ठीक है। सो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पॉइंट्स हटाऊंगा और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। सो अब आपने नोट में ये पॉइंट्स देख लिए, ठीक है ना। तो अब बस सफिशियंट है प्रीमेंशन का नोट, एंड वॉल्केस्नर की मैकेनिक तो आप सब लिख ही चुके हैं पिछली क्लास में। चलिए आओ बच्चों तुम्हें बता, मेरे भाई आप इसके आगे क्वेश्चन देख सकते हैं सेम पैटर्न का, लाइक लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखना सेम तरीका। ये मैंने इधर सीएल लगा दिया, सीएल, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू कैरी आउट दिस कन्वर्जन। मेरे भाई खुश, आप चाहते हैं कि सीएल पर कुछ ना, क्या अगर आप सीएल पर ओएच माइनस डेल्टा करेंगे बताओ क्या एल्कीन बनने का चांस होगा या नहीं? बेस सेंसिटिव, ये बेस सेंसिटिव है। तो मेरे भाई चार ऑप्शंस वही ले लो, मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस क्या है, सेम ऑप्शन ले लो ए बी सी डी, एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस बार बी। इस बार क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। एंड व्हाट इज दैट? ZN HgSCl, क्योंकि HCl में Cl का कुछ नहीं हो सकता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वही चार ऑप्शंस लिख रहे हैं ना, ए बी सी डी, चार ऑप्शंस हैं। आप देखें दिस इज अ बेस सेंसिटिव ग्रुप, दैट्स व्हाई वॉल्केस्नर इज नॉट गोइंग टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, बिकॉज वॉल्केस्नर ये तो रिड्यूस करेगा लेकिन वो सीएल कोटा के डबल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, मेरे भाई आप, मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं कर सकता है, तो कई बच्चे कहेंगे करेगा या नहीं करेगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन आईटीजे में जब आया उसके बाद से कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐड किया गया, क्योंकि आईटीजे ने ये नहीं पूछा कि इसमें वॉल्केस्नर कराओगे तो क्या बनेगा। आईटीजे का क्वेश्चन तो यही था कि मोस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट में हमें क्लीवेंसन लिया जिससे ये बन जाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई झक मार के आपसे पूछ ही ले, अगर कोई आपसे पूछ ही लेता है सेम क्वेश्चन लेता है, बेटा थ्योरेटिकल हम भी इस टाइप का आंसर दे ही देंगे। अगर कोई वॉल्केस्नर रिडक्शन इस पे करा ही दे और बोले कि बताओ आंसर बताओ, तो मेरे भाई इसे गायब करके इधर E2 करा देना, इसे E2 फिर करा देना, देख रहे हैं आप, एलिमिनेशन फिर करा देंगे इधर E2, सर्चर फैल्कीन बना दिया हमने, ये करा देना इसमें फिर कोई रॉकेट साइंस। सो लुक एट दिस 11 12 में वहां ऐसे सेंसिटिव है, यहां आपका बेस सेंसिटिव। मैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकता हूं लाइक 14, सारे लोग देखना, दिस टाइम हमने बेंजीन लिया है एंड एक और चीज देखना NME3+ एंड
मैंने यहाँ कर दिया ओ एच माइनस एंड दिस इज ऑल अबाउट डेल्टा। आई मीन ऐसा किया सारे को देखिए x माइनस क्या मैंने दिया आपको। अब आप बताइए आपको अगर ये यूज करना है इसमें दो पार्ट ले लेते हैं, दो पार्ट एक है क्लेमेंसल रिडक्शन एक है वोल्टेशन रिडक्शन। आप फिर से देखो हॉफमैन एग्जास्टिव मिथाइलेशन E2 का थर्ड एप्लीकेशन, ये लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, ये लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है तो और किस्म में यह डबल आएगा इवन सीबी वाली मैकेनिज्म में, बट क्लेमेंसल में ये ऐसा ही रहेगा। अगर क्लेमेंसल की बात करोगे आपका ये आंसर ऐसा ही रहेगा M3 plus, लेकिन अगर वोल्फ क्रिस्टल की बात करोगे मेरे ख्याल से समझदार के लिए क्या था सारा इवन सीबी हो जाएगा। आप देख सकते हैं द सेम सेंस 15 एक और क्वेश्चन आप ले लो ये इधर आपको पता है ईथर कैसे होता है बेस सेंसिटिव या एसिड सेंसिटिव बोलो बेस सेंसिटिव या एसिड सेंसिटिव एसिड सेंसिटिव। ईथर केवल केवल एसिडिक मीडियम में ही टूटता है, एसिटल कीटल में मैंने साफ साफ दिखाया है बेसिक मीडियम में एसिटल बहुत स्टेबल होता है और नहीं टूटता। तो मेरे भाई वोल्फ क्रिस्टल बेसिक मीडियम ये ऐसे ही रहेगा ये रिड्यूस हो जाएगा। देख लें ये क्लेमेंसन वोल्फ क्रिस्टल के क्वेश्चन चल रहे हैं मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं हटाऊंगा क्वेश्चन ठीक है और करने क्वेश्चन और करने कुछ और करने तीन हो गए ये सब आप अपने घर जाकर करिए। 16th क्वेश्चन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन 17 भाई। एक चीज का ये कई जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है बट दैट इज नॉट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईआईटीजी। ये है कि अगर इसमें 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड आई एम टॉकिंग अबाउट देखिए 1,3 डाई कार्बोनाइल क्लेमेंसन के जड़े में जिस आईआईटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सो बी रिलैक्स क्लियर 17th, 18th ले लो ऐसा ले लो इसका मीन 14 से। तो ऐसा देखा गया है कि यहाँ नॉर्मल आंसर नहीं आता, यहाँ नॉर्मल आंसर नहीं आता, ये आईडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बहुत खाली होंगे तो हम इसकी मैकेनिज्म कर लेंगे अदरवाइज हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो मेरे भाई ये इसका आंसर ये इसका आंसर है ठीक है। कैसे आता है सोच लेंगे कर लेंगे अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम एक ही बार रिड्यूस कर रहे हैं। चलो अगर हमने एक्सेस में कर दिया होता जैसे क्वेश्चन में आपको एक्सेस वाला भी देता यहां एक्सेस में करोगे तो ये उड़ जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन आएगा। यहां अगर मैंने एक्सेस में किया तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आता है दैट इज प्रोपेन एंड 14 एट टर्मिनल 14 कार्बन एट टर्मिनल ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप यहां करते एक्सेस तो ये आंसर आता है और अगर एक होता तो यहां कार्बोनाइल आता ऑब्वियसली कार्बोनाइल यहां नहीं होगा ये आंसर। तो ये आरडीजे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बुक्स में लिखा होता है इसलिए अपन ने भी यहां लिख लिया टेंशन नहीं लेना। एक क्वेश्चन होता है 20 जैसे आप देखो यहां देख सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन कराया दो दो कार्बोनाइल तो यू कैन हैव कॉन्सेप्ट की मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मेटल की सरफेस तक कौन सा ग्रुप आसानी से पहुंच सकता है। सो आई थिंक दिस वन इज द ग्रुप जो आसानी से पहुंच सकता है तो आप उसे रिड्यूस करा देंगे ये रिड्यूस नहीं होगा। एंड 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 एक प्रश्न आपके नाम ये कंपाउंड देखो NH2 ये मैंने आपको एक ट्रांस कंपाउंड दिया NNH2 ये आ गया OH माइनस मेरे भाई ये वोल्फ क्रिस्टल का सेकंड पार्ट ये वोल्फ क्रिस्टल का सेकंड पार्ट है आपको पता है आंसर क्या आएगा इट विल बी वेरी इजी आंसर विल बी साइक्लोहेक्सेन
तो मेरे भाई इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड क्लेमेंसन एंड वोल्केनस, ठीक है।